कितनी सुंदर और इनके राजस्थान की संस्कृति से बलबेड़ा के लाल पत्थर जो पशु है और पक्षी है उन सब की पेंटिंग इनके ऊपर की है और बहुत ही सुंदर और खूबसूरत देख रहे हो शहर में भरे जाने वाला कैमिल फेस्टिवल 2020 जहां के लोग बहुत ही सुंदर और बहुत ही रात रात भर जागते हैं और सब कहते हैं कि जागती रातों का शहर है। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हमारे इस पार्क और के लिए इस पूरे बीकानेर मेले केवल इसके श्रृंगार को नहीं इसके श्रम को भी सराहा है। इसकी पूरी कवरेज मेरे चैनल और जब हम इसके श्रम की बात करते हैं इसकी उपयोगिता की बात करते हैं लाइक करें चैनल को तब वो किसी से छिपे नहीं। मेले की कवरेज आपको बताऊंगा। आज फर कटिंग कॉम्पिटिशन में वो प्रतिभागी वो नाम जिसका जिक्र मैं बार बार कर रहा हूँ जापान से प्रतिवर्ष इस मेले की रौनक के रूप में अपनी मौजूदगी को दर्ज करवाती रही है मेगुमी। बहुत ही शानदार ये इस वर्ष वो नहीं लेकिन उनकी फर कटिंग की जितने भी चित्र आपको फ्लैक्स में दिखाई दे रहे हैं एक तरीके से हम उसकी मौजूदगी को यह महसूस कर पा रहे हैं। जरूर करें और ये शानदार चित्र है का पूरा शरीर एक कैनवास बन जाता है और इनके बालों की कटिंग करने वाला वो कलाकार बन जाता है जो अपने मन की तमाम कल्पनाओं को भावनाओं को जीवंत कर देता है कि आपके हाथ एक और मधुमेह जैसे रोग को नियंत्रित करने में ऊंटनी का दूध कितना कारगर रहा है। चिकित्सा विज्ञान में अनेक अनेक निष्कर्षों के बाद ये बात सामने आई है कि ऊंटनी का दूध शुगर पेशेंट के लिए बहुत फायदेमंद होता है और अब